ओम शक्ति जय माँ काली। वृष राशि वाले, वक्त आ रहा है आपका, सबों को पछाड़ कर आप सबसे आगे निकल जाएंगे। ऐसा क्या है जो आपके पहुंच में नहीं रहेगा? आपके पहुंच के अंदर सब कुछ रहेंगे। आपको करना है एक छोटा सा उपाय, तो वीडियो को आप देखिएगा पूरा, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या उपाय करेंगे। ये छोटे छोटे उपाय ना आणविक उपाय होते हैं, जो आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। ये ऐसे उपाय होते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे और पल भर में क्या से क्या आपके साथ शुभ फल हो जाता है। तो आप मालामाल होने जा रहे हैं, आप न सिर्फ धन के मामले में, बल्कि अपने प्रेम के मामले में, अपने माता पिता के मामले में और नाम और सम्मान के मामले में। अगर आप गायकी के क्षेत्र से हैं, किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप पुरस्कार प्राप्त करेंगे। साहित्य से जुड़े हैं हुए हैं, आपको भी पुरस्कार प्राप्त होगा। और ये अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप अध्यात्म में भी अच्छा नाम करेंगे। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कैसे हम थोड़ी सी तंत्र मंत्र में सफलता प्राप्त करें, तंत्र मंत्र को गलत मत समझिएगा। तंत्र मंत्र गलत नहीं होता है, इसके प्रयोग गलत हो सकते हैं और इसके संबंध में जो भ्रांतियां फैली हुई है ना, इन भ्रांतियों को समझने की आवश्यकता है। तंत्र मंत्र कभी गलत नहीं होता। मंत्र तो विज्ञान है, शब्द विज्ञान है, और तंत्र तो आपके शरीर का तंत्रिका तंत्र है। तंत्र क्या है? अगर आप अपने शरीर के तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण कर लिया, यानी कि आप सोचे कि हम इतने देर तक बिना खाए पिए रह जाएंगे और आप रह लेते हैं, अगर आपने सोचा कि मैं यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर इस स्थान को देख लूं, और आपने अपने तंत्र को इतना वशीभूत कर लिया है कि आपकी दृष्टि की शक्ति तीव्र हो जाएगी, दुगनी तिगुनी चौगुनी हो जाएगी, और आप उसे देख पाएंगे, अपने मन के अंदर देख पाएंगे और हू बहू देख पाएंगे। यही तंत्र है। तंत्र यह नहीं कि किसी को नज़र लगा दो, किसी को खराब कर दो, किसी को हानि कर दो, यह तंत्र नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे तंत्र में जो शुभ फल देने वाले हैं आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो आपको सफलता मिल सकती है। तो आप अध्यात्म से जुड़े रहें, जो भी आप ध्यान कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे सिद्धि प्राप्ति के लिए, वह करते रहें। तो वृष राशि वालों के लिए यह उपयुक्त समय है। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में पूरी लगन से और पूरी निष्ठा से भाइयों बहनों आप प्रयास करें, तो अगर आप वृष राशि के हैं 100% आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, आप साहित्य के लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी भी मीडिया से जुड़े हुए, किसी भी फील्ड में, अगर आपने स्टार्टअप किया है और बहुत दिनों से नहीं चल रहा था लेकिन आप वृष राशि के हैं, तब निराश ना हो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका समय आने वाला है, 2024 आपके लिए बेहतर होगा, मालामाल होंगे आप। बस ये ना कर लें कि आप घर में बैठे रहें और सोचेंगे कि वृष राशि है तो बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। कर्म के बिना भाग्य नहीं और भाग्य के बिना कर्म नहीं, यह तो आप जानते ही ना। आपके पास लाख भोजन पड़ा हुआ है, अगर कोई उठाकर आपके मुंह में भी डाल दे तो क्या आप उसे पेट में अपने आप चला जाएगा? आपको खाना तो पड़ेगा, निगलना तो पड़ेगा। हाँ, कह लीजिए कि कोई ड्रिप से कोई आईसीयू में कैसे पहुंचा देता, वैसे करना भाइयों बहनों तो बात तो अलग है, लेकिन कर्म तो करना है ना, उसमें आपकी जगह दूसरे कर्म करते हैं। तो जब तक आप चबाएंगे नहीं, जब तक आप निगलेंगे नहीं, भोजन आपके पेट में नहीं जा सकता है। तो प्रयास आपको करना है, भाग्य आपका साथ देगा। जब भाग्य साथ दे रहा हो और आप कर्म कर रहे हो, तो यह पूर्ण रूप से क्या होता है, फलीभूत होता है। तो लोग
ऐसे वक्त की प्रतीक्षा करते हैं कि उनका कब शुभ समय आएगा। तो एज एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बतला रही हूँ कि आपका शुभ समय आने वाला है। आप पूरी लगन से और पूरी निष्ठा से प्रयास करें। और वैसे विद्यार्थी जो मेडिकल के फील्ड में जाना चाह रहे थे, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। आप पूरी मेहनत से करें, आप मेडिकल में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको एक माणिक जरूर धारण कर लेना होगा। अगर आप वृष राशि के हैं, उसके लिए आपको किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक मंत्र जरूर मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार नहीं तो कम से कम 11 बार जरूर जाप करें। अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तब आप मन ही मन चलते फिरते इस मंत्र का जाप करते रहें। यह भी आपको उतना ही फल देगा जितना आप प्रातः करते हैं। हर मंत्र के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन इस मंत्र के साथ ऐसा है कि अगर आप चलते फिरते भी जाप करेंगे तब आपको फायदा देगा। और वह मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौ। एक बार और बोलूं मंत्र को, ओम ऐं क्लीं सौ। तो इस मंत्र को आप चलते फिरते मन ही मन जब याद आ जाए, ना कोई स्थान का झंझट है, ना समय का झंझट है, ना कुछ खाने पीने का झंझट है, ना गिनती का झंझट है। जब याद आ जाए, जितनी बार कर सकते हैं आप इसे मन ही मन करते रहें और इससे लाभ उठाएं। 2024 में वृष राशि वाले आप लाभ उठाएं। अब नहीं उठाया तो कब उठाएंगे आप? तो यह आपका समय है, प्रयास करें, सफलता प्राप्त करें। तो आपको भाइयों बहनों यह जानकारी कैसी लगी बताएंगे मुझे। और अगर अच्छी लग रही है तब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो लोग नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो सके और दूसरे भी धनवान हो सके, सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय मां काली।